हमारे अप्रशिक्षित शिक्षक भाइयों बहनों का मांग नहीं मानती है तो मैं इससे भी उग्र आंदोलन करूंगा और तब तक करूंगा जब तक हमारे अप्रशिक्षित शिक्षक भाइयों बहनों का मांग पूरा नहीं हो जाए। ऐसे शिक्षक हैं जो कतिपय कारणों से प्रशिक्षण परीक्षा में एक विषय दो विषय या कहीं ये फेल कर गए, तो जब मैट्रिक इंटर में बच्चे फेल कर जाते हैं तो उनके लिए परीक्षा का पुनः आयोजन किया जाता है, तो फिर हमारे शिक्षकों के लिए क्यों नहीं, यह दोहरी नीति क्यों? हमको सेवा मुक्त भी कर दिया, बहुत ही परेशान है, हमारी हालत जो है बहुत दयनीय है, हमारे बाल बच्चे दम भूखे मर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हुआ है, क्योंकि जो 17,000 शिक्षक अभी 3 साल से खाना कैसे खा रहे हैं, ये तो ह्यूमन राइट वायोलेशन कर दिया है बिहार सरकार ने नीतीश जी को। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, बिहार प्रदेश प्रारंभिक शिक्षक संघ बिहार आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है पटना के गर्दनी बाग में। देखिए हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे शिक्षक हैं जो प्राइमरी टीचर है, क्या वजह है कि इनको गर्दनी बाग के धरना स्थल में आना पड़ा, जी बताइए। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जितने शिक्षक आपको नजर पड़ रहे हैं, लगभग 2 वर्षों से इनका वेतन बाधित है। बिहार के 17,500 वैसे शिक्षक हैं जो कतिपय कारणों से प्रशिक्षण परीक्षा में एक विषय दो विषय या कहीं ये फेल कर गए, तो जब मैट्रिक इंटर में बच्चे फेल कर जाते हैं तो उनके लिए परीक्षा का पुनः आयोजन किया जाता है, तो फिर हमारे शिक्षकों के लिए क्यों नहीं, यह दोहरी नीति क्यों? प्लस कहीं कहीं सेवा मुक्त की कार्रवाई की जा रही है, क्या सरकार मतलब इसी के लिए शिक्षकों को बहाल की थी, क्या पुनः दोबारा परीक्षा का आयोजन नहीं कर सकती है? अच्छा, बर्खास्त क्यों किया गया बताएंगे? मैं बिहार प्रदेश प्रारंभिक शिक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूं। आज हम लोग यहां बैठे हैं, सरकार के गलत नीतियों के कारण हमारे शिक्षक पूरे बिहार में 17,500 शिक्षक अनट्रेंड रह गए हैं, और कहीं सरकार इनको टर्मिनेट भी कर रही है, कहीं वेतन भी बाधित की है। हम लोग सरकार को कई बार अल्टीमेटम दे चुके हैं बिहार प्रदेश प्रारंभिक शिक्षक बैनर तले, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगा। आज अंत में बाध्य होकर पटना के धरती पर हम लोग इस भूखमरी के कगार पर हमारे पूरे बिहार के 17,500 शिक्षक आ गए हैं, उनके समस्याओं के निदान हेतु आज हम लोग पटना के धरती पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किए हैं। इसके लिए सरकार को कोई भी किसी भी तरह का हम लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, और सरकार को ईंट से ईंट बजा देने का काम बिहार प्रदेश प्रारंभिक शिक्षक संघ करेगा। इसके लिए संघ को कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, देख सकते हैं आप, जहानाबाद से हम हैं टीचर, जहानाबाद काको से। सर क्या क्या समस्या है? जहानाबाद काको से हम हैं, उर्दू प्राइमरी विद्यालय में हम। नाम क्या है आपका? इस्मत आरा। मेरा नाम इस्मत आरा है। हमारा क्या समस्या है बताइए? समस्या हम ODL से है, और एक सब्जेक्ट में मेरा बैक लग चुका है। अच्छा। उसके बिना पर हमें अप्रशिक्षित घोषित कर दिया गया, और इसी वजह से हमारा वेतन ही बंद है, और हमें 2021 के जनवरी 5 तारीख से हमको सेवा मुक्त भी कर दिया गया है। सेवा मुक्त कर दिया गया है, बहुत बड़ी बात बोल रही है आप, सेवा मुक्त कर दिया गया। उसकी वजह से हम बहुत ही परेशान हैं, हमारी हालत जो है बहुत दयनीय है, हमारे बाल बच्चे दम भूखे मर रहे हैं, हम बहुत हमारा बहुत परेशान हाल है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये बिहार के प्राइमरी शिक्षक है जिनको बर्खास्त कर दिया गया है, एक तरह से कहा जाए तो निकाल दिया गया है, इनका सैलरी रोक दी गई है। देखिए एक और महिला है, बताइए। मैं कौशल, यहाँ प्राथमिक विद्यालय अलीपुर, हमको 4 अगस्त को सेवा मुक्त कर दिया गया है। हमको ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट नहीं मिला, जबकि हम ट्रेनिंग कर चुके हैं, NIOS से किए हैं। मेरा सर्टिफिकेट में NC लगा हुआ है, जबकि हम अक्टूबर में NC ये क्लियर किए, इम्प्रूव भी कर लिए हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि मार्च को ही इम्प्रूव करना था, अब आपने अक्टूबर में किया, इसलिए आपको अप्रशिक्षित माना जाएगा। मैं देवाशीष होता हूँ, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ NIOS DLED टीचर्स एसोसिएशन, इसको सपोर्ट करने के लिए मैं अभी पटना पहुँचा हूँ। तो ये बिहार का सरकार ने अकेले ही ऑल इंडिया में और कोई सरकार ये काम नहीं किया है, मैं देश भर घूमता हूँ, तो हम लोग दिल्ली में भी प्रदर्शन किए हैं इसका NC टैग हटाने के लिए, 3 बार कर चुके हैं, नेट सर्टिफाइड करके एक टैग लगा दिया है। जो टीचर्स 20 साल से नौकरी कर रहे थे वो ट्रेंड नहीं है, उसके लिए उनको NC टैग लगा दिया, NC टैग 2019 में लगाया है। तो अभी 3 साल से बिहार में ही खाली सरकार ने उसको मान्यता दे के इन लोगों का
सैलरी बंद कर दिया, लेकिन ऑल इंडिया में और कोई सरकार ने 3 साल है हो गया है अभी तक बंद नहीं किया। तो इसके खिलाफ बिहार के जो ये प्राथमिक शिक्षक संघ ने, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि ये लोग टीचर्स का मुद्दा को उठाया है, और मैं उनका समर्थन करने के लिए भी पटना पहुँचा हूँ, और ये अभी पूरा दिल्ली तक जाएगा, और पूरा बिहार सरकार का जो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हुआ है, क्योंकि जो 17,000 शिक्षक अभी 3 साल से खाना कैसे खा रहे हैं, ये तो ह्यूमन राइट वायोलेशन कर दिया है बिहार सरकार ने। नीतीश जी को मैं अनुरोध करता हूँ कि ये तुरंत हटा दीजिए, और सबका सैलरी आप तुरंत विथ इंटरेस्ट पे कीजिए, क्योंकि देश में और कोई 28 स्टेट है और कहीं पे ये लागू नहीं किया गया, आप क्यों किए? आप क्या देश से बाहर रह रहे हो? तो 28 राज्य का सेम नियम पे किया नहीं, और आपने वही आरटी का मान्यता देके के राइट टू एजुकेशन है, तो हम लोग सबका बंद कर दिया। तो पहले उनको खाना दो, पहले सैलरी दो। एनसी का जो मामला है वो केंद्र का मामला है, तो एनसी हटाएगा वो? हम लोग वहाँ पे पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारा अभी 11 अप्रैल से फिर दिल्ली में भी जंतर मंतर पे पूरा पार्लियामेंट घेराव करेगा लाखों टीचर्स। जी हाँ, देख सकते हैं ये टीचर्स हैं, प्राइमरी टीचर है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था क्या है बताने की जरूरत नहीं है। शिक्षक है, रोड पे आए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, महिलाएं आई हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारा बिहार महिला सशक्त है, और देखिए महिलाओं का क्या स्थिति है, यही बयां कर रही है क्या? ये जब मनमानी हो रही है, ये हाँ, ये निदेशक का मामला है। निदेशक ने ऑर्डर दिया है कि उन्हें मुक्त नहीं किया जाए, उनका भी केस चल रहा है, उन्हें भी रोका जाए। ऐसा ही रहा तो आगे क्या करेंगे बता सकते हैं? आगे क्या करेंगे? आगे बताइए कि आगे आगे का रणनीति क्या है आप लोगों की? मैं आपको बता दूं सर कि मैं बिहार प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ का प्रदेश प्रवक्ता हूं, और मैंने अपने लेटर के माध्यम से सरकार को 7 फरवरी 2022 को एक आवेदन दिया था कि बिहार में विभिन्न प्रकार के शिक्षक अप्रशिक्षित शिक्षक रह गए, तो हमने दिया था उस, हमने 12 मांगे सरकार के सामने रखा। उस 12 मांग में था कि एक तरफ आप हमारे शिक्षक को, जो नियोजित शिक्षक हैं, जो नियोजित प्रारंभिक शिक्षक हैं, उनको आप पदमुक्त कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो नियमित अप्रशिक्षित हैं उनको वेतन भुगतान कर रहे हैं। आप देख लीजिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के स्थापना के पत्रांक 826 दिनांक 2/2/2022 पत्र के आलोक में उन्होंने लिखा है कि जो नियमित अप्रशिक्षित शिक्षक हैं उनको वेतन भुगतान किया जा रहा है उस चिट्ठी के आलोक में, लेकिन जो हमारे नियोजित अप्रशिक्षित शिक्षक हैं उनके साथ भेदभाव करिए और सरकार उसको वेतन भुगतान नहीं करिए। दूसरी बात है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय में अभी भी अप्रशिक्षित शिक्षक हैं, सरकार उसको वेतन भुगतान कर रही है। माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में अप्रशिक्षित शिक्षकों का सरकार वेतन भुगतान कर रही है, लेकिन प्रारंभिक विद्यालय में जो हमारे नियोजित अप्रशिक्षित शिक्षक हैं उनका वेतन भुगतान सरकार बंद कर रखी है। तो हम मानते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं हमारे नियोजित शिक्षकों के साथ गलत व्यवहार कर रही है, उनके संवैधानिक अधिकार को छीन रही है। बिहार में ना शिक्षक जो सेवक है वो भी खुश नहीं है, बगल में उन लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग शिक्षक है आप लोग भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? जब शिक्षक सेवक और शिक्षक दोनों रोड पे उतर जाए तो सरकार शिक्षा व्यवस्था का क्या होगा, इस पर क्या कहना? शिक्षा व्यवस्था तो हमारे माननीय नीतीश कुमार जी 100% चौपट कर दिए। आप बताइए शिक्षक का जगह विद्यालय है, वह शिक्षक क्यों आता है गर्दनी बाग में धरना? गर्दनी बाग में देखिए कई टेंट लगा हुआ है, कई संघ के लोग हैं। हमारा जगह विद्यालय में बच्चों को पढ़ाना है, हम सरकार के गलत नीतियों का शिकार हुए हैं तब जाके हम यहाँ गर्दनी बाग में आए हैं। अगर सरकार हमारे अप्रशिक्षित शिक्षक भाइयों बहनों का मांग नहीं मानती है तो मैं इससे भी उग्र आंदोलन करूँगा, और तब तक करूँगा जब तक हमारे अप्रशिक्षित शिक्षक भाइयों बहनों का मांग पूरा नहीं हो जाए, तब तक मैं चरणबद्ध आंदोलन करता रहूँगा। जी हाँ, देख सकते हैं आप, प्रारंभिक टीचर है ये बिहार के, और इनको रोड पे आना पड़ा है, बहुत बड़ी बात है। सरकार की क्या शिक्षा व्यवस्था है, बिहार की क्या शिक्षा व्यवस्था है, ये बताने की जरूरत नहीं है, आपको ही पता है। दिन पर दिन शिक्षा व्यवस्था ठप होते जा रही है। अगर ये इनकी दर्द अगर थोड़ी सी भी आपको दिखी है तो इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।